आप एंटरप्रेन्योरशिप से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से महिला उद्यमी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है इस योजना के जरिए। बिल्कुल, और उसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि जब करोड़ों महिलाएं ग्रामीण स्तर पर वो कुछ कर सकती हैं, वो अपने छोटे मोटे उद्यम कर सकती हैं, पापड़ बना सकती हैं, अचार बना सकती हैं, पशु सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, बैंक सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, ड्रोन दीदी के तौर पर काम कर सकती हैं, और ये उभरते हुए क्षेत्र हैं। ड्रोन दीदी जैसे क्षेत्र जिसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य में होने वाला है, हम जानते हैं कि किस तरह से उस तकनीक पर भारत में काम हो रहा है, तो उससे भरोसा आता है और गाँव की करोड़ों महिलाओं में भरोसा आता है कि वो खेतीबाड़ी से जुड़े आधुनिक तकनीक सीखकर उस काम को बहुत तेजी से आगे ले जा सकती हैं और कुछ पैसे भी कमा सकती हैं, जिससे परिवार की मदद हो सकती है, उनकी जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती है और भविष्य के लिए वो बचत भी कर सकती है। तो वो कॉन्फिडेंस दिखता है, वो क्रांति पनप नहीं रही, वो क्रांति न केवल पनप रही है बल्कि हम उसके विस्तार के तौर पर उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। करोड़ों घरों में आज करोड़ों महिलाएं जो लखपति दीदी के तौर पर काम कर रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ग्रामीण स्तर पर महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं, उनमें वो विश्वास देख रहे हैं कि वो किसी से कम नहीं है। एक विश्वास जो और नजर आया वो है फिनटेक क्रांति के प्रति। शैलेंद्र, आप समझिए कि पहले किसी महिला को अगर बचत करनी है, वो बचत कर रही है तो चावल के डब्बे में पैसे छुपाए जाते थे, बहुत पुराना है, लेकिन अब कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फोन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ये तमाम जो बैंकिंग डिजिटल सर्विस सेवाएं हैं उन पे उनको प्रशिक्षित पारंगत बनाकर आप सेविंग समझा रहे हैं, जो एक और आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करती है। देखिए, हम जानते हैं कि जनजन जैसी योजनाओं में आप देखें तो बड़ी